हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आपने चंगेज खान का नाम तो सुना ही होगा, वो इसी देश में पैदा हुआ था। आज हम आपको उस देश की सैर करवाने वाले हैं जहां इंसान बहुत कम रहते हैं और जानवर 20 गुना ज्यादा। दोस्तों, एक ऐसी कंट्री जिसने आइसक्रीम खाना दुनिया को सिखाया। दोस्तों, जिस देश का मैं आज आपसे जिक्र करने वाला हूँ, उस देश का स्टॉक एक्सचेंज किसी सिनेमा हॉल में चलता है। दोस्तों, एक ऐसा देश जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये नहीं देखा तो क्या देखा, क्योंकि यहाँ आपको रेगिस्तान से लेकर स्नोफॉल तक सब कुछ नजर आता है। जिस देश के लोग आज भी बंजारे की जिंदगी जीना पसंद करते हैं। भाई, आज मैं आपको ईस्ट एशिया के ऐतिहासिक देश मंगोलिया की सैर कराने ले जा रहा हूँ। आज मैं आपको इस देश के बारे में वो तमाम रोचक जानकारियां दूंगा जिसे आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, लेकिन आपसे है बस एक ही रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मंगोलिया एक ईस्ट एशिया का देश है जिसकी कुल पॉपुलेशन 9 के बराबर ही है, यानी कि इस देश में कुल 33 लाख लोग ही रहते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देशों की सूची में मंगोलिया 136वें नंबर पे आता है। जबकि दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यहाँ औसतन 2 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पे दिखते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितना शांत देश होगा। दोस्तों, हम मंगोलिया की बात कर रहे हैं, ऐसे में ये जिक्र होना सबसे जरूरी है कि जिस मंगोलिया को दुनिया आज उसके नाम से जानती है, वो कभी मंगोलिया का बाहरी हिस्सा माना जाता था। लेकिन जो मेन मंगोलिया है वो चीन के अंदर आ गया है, जिसे आज हम इनर मंगोलिया ऑटोनोमस रीजन के नाम से जानते हैं। भाई, चीन ने सब कुछ हथियार रखा है। आपको बता दूं कि मंगोलिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी कि चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ देश है ये। इसके एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ है रूस। वहीं कजाकिस्तान इस देश से सिर्फ 37 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन दोस्तों, मंगोलिया और कजाकिस्तान आपस में बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, कमाल की बात है ना। दोस्तों, मंगोलिया देश की राजधानी का नाम है उलनबातर, और इसी के नाम पर देश में पहला होटल भी बना था। सन 1961 में उलनबातर नाम से पहला होटल बनाया गया था, और ये पूरे देश में एकमात्र ऐसी बिल्डिंग थी जहां गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों उपलब्ध था। दोस्तों, जब बात हो रही है उलनबातर की, तो आपको बता दूं कि ये जो राजधानी शहर है वो दुनिया की कोल्डेस्ट कैपिटल सिटी मानी जाती है। भयानक ठंड पड़ती है यहाँ पे। ऊंचाई वाले इलाके और साइबेरियन प्रतिचक्रवात के प्रभाव के कारण उलनबातर को विश्व में किसी भी देश की सबसे ठंडी राजधानी माना जाता है, जहां का औसत तापमान 0 से 1 डिग्री कम रहता है। दोस्तों, आपको बता दूं मंगोलिया देश का नाम कैसे पड़ा। एक्चुअली दोस्तों, कहा जाता है कि मंगोल का मतलब होता है ब्रेव, यानी कि बहादुर, और इसी से इस देश को मंगोलिया बना दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने भी ट्रेडिशनली मंगोलियाई लोग हैं इस देश में, वो आज भी 2 घर में रहते हैं। जी हां दोस्तों, इसे यहां गेर कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने घर पे ही रहो। जो भी लोग काम की तलाश में कैपिटल सिटी जाते हैं, वो सभी कम से कम 3 महीने के लिए जून, जुलाई और अगस्त में अपने गेर जरूर जाते हैं और वहीं रहते हैं। दोस्तों, इस देश को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जिसमें से एक है द लैंड ऑफ द ब्लू स्काई। आपको बता दूं कि वैसे तो यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन कम से कम साल के 260 दिन यहाँ का मौसम साफ रहता है, इसलिए ही इसे द लैंड ऑफ द ब्लू स्काई के नाम से जाना जाता है। वहीं बहुत सारे लोग इस देश को द लैंड ऑफ द एनिमल्स के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में वाकई में इंसान आपको कम दिखेंगे, लेकिन यहाँ जानवरों की कोई कमी नहीं है। मंगोलिया में एक इंसान पर 13 घोड़े हैं, तो वहीं भेड़ों की बात करें तो यहाँ हर इंसान पे 35 भेड़ हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में जानवरों की संख्या कितनी होगी। मंगोलिया लैंडलॉक्ड कंट्रीज के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जी हाँ, इसके चारों तरफ जमीनी बॉर्डर ही है। इस लिस्ट में पहले नंबर पे आता है कजाकिस्तान। ये गाना तो आपने सुना ही होगा, बंजारा हूँ मैं, बंजारा हूँ। दोस्तों, लगता है कि मंगोलिया के लोगों पर इस गाने का कुछ ज्यादा ही असर हो गया है। एक तो यहाँ की आबादी बहुत कम है, और ऊपर से लगभग 40% लोग इस देश के बंजारे की जिंदगी जीते हुए नजर आते हैं। इनका ना कोई घर है और ना ही कोई ठिकाना, पूरा देश ही इनका है, बस ये एक जगह से दूसरी जगह चलते चले जाते हैं। कई मंगोलियाई निवासी आज भी पारंपरिक घरों में रहते हैं, जिन्हें यूर्ट्स के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार का टेंट है जो कहीं भी आसानी से लगाया जा सकता है। दोस्तों, 17 सितंबर 2011 को यहाँ एक नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन हुआ था, जिसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। इस प्रतियोगिता में एक साथ 6000 से ज्यादा पहलवानों ने हिस्सा लिया और एक साथ कुश्ती लड़ी। इस कॉम्पिटिशन का नजारा सच में कमाल था भाई। दोस्तों, आपको बता दूं कि 1961 में जाकर पहली बार मंगोलिया यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा बन पाया था, लेकिन 1987 तक बहुत सारे देशों ने इसे रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर दिया था, जिसमें से एक सुपर पावर अमेरिका भी है। दोस्तों, हमने वीडियो में सबसे पहले ही जिक्र किया था चंगेज खान का। मंगोलिया का किंग था चंगेज खान, जिसके बारे में कौन नहीं जानता होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि वो खुद तो अनपढ़ था, पर उसने पहली बार राइटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि मंगोलिया में लिखने पढ़ने की शुरुआत चंगेज खान ने ही करवाई थी। आपको बता दूं कि मंगोलिया का जिक्र करते समय चंगेज खान को याद न किया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंगोल वंश में जन्मा चंगेज खान केवल 20 वर्ष की उम्र में अपने कबीले का नेता बन गया था।
20 साल तक हुए कबीलों के अंदरूनी युद्धों के बाद तेमुजिन नामक बालक चंगेज खान के नाम से उभरा। उसने अपनी मौत से पहले मंगोल साम्राज्य को बीजिंग से लेकर कैस्पियन सागर तक फैला दिया। आपको बता दूं कि चंगेज खान को वर्ष 2011 में विश्व के मशहूर टाइम पत्रिका में 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल आइकन्स ऑफ ऑल टाइम में रखा गया। चंगेज खान को मध्य एशिया के अनेकों लोगों का वंशज माना जाता है। जेनेटिक विदों के अनुसार चंगेज खान का डीएनए मध्य एशिया के लगभग 1.7 करोड़ पुरुषों से मिलता जुलता है। ये बात तो सबको पता ही है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन घोड़े मंगोलिया में पाए जाते हैं। यहाँ के घोड़े सबसे फिट और भागने में सबसे तेज होते हैं, तभी तो इस देश से कई देशों में घोड़ों को एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश में जो भी महिला 5 या उससे ज्यादा बच्चों को जन्म देती है उन्हें बहुत इज्जत से देखा जाता है। जी हाँ, उन्हें ऑनर्ड मदर के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों एक ऐसी चीज जो आपको हंसा देगी मंगोलिया के बारे में वो ये है कि यहाँ पर ऐसा लगता है सब हिमेश रेशमिया ही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मंगोलिया देश में जितने भी सिंगर है वो नाक से गाने के लिए ही जाने जाते हैं। यहाँ पर नाक से गाने का ट्रेडिशन है। वैसे आपको बता दूं कि म्यूजिक इस देश के लोगों के खून में है। यहाँ पर आपको लोग घोड़े की सवारी करते हुए और जोर जोर से गाने गाते हुए दिख जाते हैं। इनका मानना है कि जब तक आप गाने को अपने मन में गुनगुनाते रहते हैं तब तक आप खुश रहते हैं। सही कह रहे हैं वैसे ये। दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश को क्रेडिट दिया जाता है दुनिया में आइसक्रीम को इंट्रोड्यूस करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है इस देश की। एक मान्यता के अनुसार मंगोलियन घुड़सवारों ने आइसक्रीम की खोज की थी। जब वो पशुओं की आंतों से बने पात्रों में क्रीम भरकर गोबी मरुस्थल के लंबे लंबे सफर पे जाया करते थे। जो भी हो, लेकिन मंगोलिया के लोगों ने ये बहुत ही बढ़िया काम किया है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश में ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका नाम है गोबी रेगिस्तान। यहाँ की अगर बात करें तो ये 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है मंगोलिया देश के लिए। चूंकि दोस्तों इस देश में लोग कम हैं और जमीन बहुत ज्यादा है, यहाँ का मौसम भी साफ रहता है। गाड़ियाँ ज्यादा चलती नहीं इस देश में। ट्रांसपोर्टेशन की वैसे भी यहाँ कोई जरूरत तो है नहीं, इसलिए यहाँ का मौसम आपको पूरा खुला हुआ मिलेगा। मंगोलिया देश के लोगों की औसत उम्र है 78 साल, यानी कि एशिया के ज्यादातर लोगों से कहीं ज्यादा जीते हैं मंगोलिया के लोग। आपको बता दें कि ये इस वजह से भी हुआ है क्योंकि यहाँ की हवा बहुत प्योर है। यहाँ के लोगों के बीच में फिटनेस को लेकर बहुत पहले से लेकर काफी जागरूकता है और हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से इस देश के लोग आज बहुत स्वस्थ हैं। मंगोलिया देश के बारे में एक बात जो आपका दिल जीत लेगी वो ये है कि इस देश में लोगों के अंदर हॉस्पिटैलिटी कूट कूट कर भरी हुई है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जो भी मंगोलिया घूमने के लिए आता है वो उनका गेस्ट है। तभी तो दोस्तों कहा जाता है कि आप मंगोलिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपको यहाँ हर घर से नमकीन चाय और अगर आराम करना है तो बेड तो मिल ही जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस देश ने दुनिया के देशों को आइसक्रीम खाना सिखाया है, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों के बीच आइसक्रीम खाने का क्रेज सबसे ज्यादा विंटर के सीजन में है। यहाँ जितनी ज्यादा ठंड पड़ती है लोग उतना ही आइसक्रीम खाते हैं और दूसरों को खिलाते भी हैं। दोस्तों मंगोलिया देश में गोल्डन ईगल फेस्टिवल मनाया जाता है। हर साल 2 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में यहाँ के लड़के घोड़े पर बैठकर ईगल की मदद से शिकार करने निकलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग अपने ईगल को ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो अपने ट्रेनर को बताती रहती है कि कहाँ जंगली जानवर है और कहाँ नहीं, और उसके बाद होता है शिकार। दोस्तों मंगोलिया एक बहुत खूबसूरत देश है। ये मशहूर है अपने नजारों के लिए। जिन लोगों को घूमने और एडवेंचर का शौक है उनके लिए ये देश बहुत ही बढ़िया है। शहर की व्यस्त जिंदगी से दूर ये आपको सुकून के कुछ दिन दे सकता है। यहाँ की समृद्ध संस्कृति, एडवेंचरस प्लेन्स और लैंडस्केप्स से बिना प्यार के आप रह ही नहीं पाएंगे। अगर आप इस देश की सैर करें तो यहाँ नादाम फेस्टिवल, तोब में हॉर्स राइडिंग, गोबी मरुस्थल में गुरवन सैखन नेशनल पार्क और खुश्तैन नेशनल पार्क जरूर एक्सप्लोर करें। मंगोलिया का सफर इसके इतिहास को जाने बिना कैसे हो सकता है। यहाँ का नेशनल म्यूजियम देश का सबसे बड़ा म्यूजियम है, जहाँ आपको मंगोलिया के इतिहास के साथ साथ उसकी सभ्यता को जानने का भी मौका मिलेगा। साथ ही यहाँ आप घोड़ों को किराए पे लेकर घूम सकते हैं। दोस्तों क्या आपने स्नो लेपर्ड्स के बारे में सुना है? अगर हाँ तो आपको बता दें कि दुनिया के 60% स्नो लेपर्ड्स इसी देश में रहते हैं। सही बात है, जब टेम्परेचर माइनस में चली जाए तो इन्हीं का बोलबाला रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 6वीं शताब्दी में बनी चीन की दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वास्तविकता में आंतरिक मंगोलिया में ही बने थे। दोस्तों हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरह मंगोलिया में भी स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन मंगोलियाई शेयर बाजार वर्तमान की पूंजीवादी दुनिया में सबसे छोटा है, जिसे वहाँ बच्चों के एक पुराने सिनेमा घर से चलाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 कुबड़ वाला ऊँट मूलतः मंगोलिया से ही है। हर साल ऊँटों की इस प्रजाति को संरक्षित रखने के लिए मंगोलिया में एक उत्सव का आयोजन होता है। आपको बताएं कि पिछले 12 सालों से लगातार इनकी संख्या घटती जा रही है। दोस्तों मंगोलिया बहुत ही यंग कंट्री है। यहाँ की कुल जनसंख्या का 36% हिस्सा 18 साल से कम उम्र के लोगों की है। ये बताने के लिए काफी है कि ये देश कितना यंग है। दोस्तों आपको बता दूं कि मंगोलिया का राष्ट्रीय खेल बोख है, जो एक प्रकार की कुश्ती है। हर साल मंगोलिया के स्वतंत्रता दिवस पर एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट का आयोजन होता है।
इसमें प्रथम आने वाले को शेर, दूसरे स्थान पर रहने वाले को हाथी और तीसरा स्थान पाने वाले को गिद्ध की उपाधि मिलती है। कमाल की बात है। मंगोलिया की करेंसी को टुग्रोग या टग्रिक कहा जाता है। आपको बता दें कि एक रुपया करीब 37 टुग्रिक के बराबर है। मंगोलिया की पारंपरिक वेशभूषा को डील कहते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत है। मंगोलिया स्टेट यूनिवर्सिटी पूरे देश की एकमात्र यूनिवर्सिटी है। इसकी शुरुआत 1942 में हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये था मंगोलिया। कैसा लगा आपको, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप कभी गए हैं वहाँ, हमें बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिलहाल मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।